ब्रेक, बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। कंगाली में आटा गीला, ये कहावत इन दिनों पाकिस्तान के हालात पर फिट बैठती है। एक तो पाकिस्तान पहले से ही अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कटोरा पकड़ चुका है, ऊपर से अब उस कटोरे से भी पैसा छिनने वाला है। पाकिस्तान को इस आर्थिक संकट में जुर्माना भरना पड़ेगा, जिससे उसकी हालत और खस्ता हो जाएगी। हैदराबाद के निजाम की संपत्ति को लेकर चल रहे मामले में लंदन के हाईकोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके साथ ही फंड के मामले में पाकिस्तान सरकार को 60 लाख पाउंड देने का आदेश दिया है। ये पैसा मुकदमे के कानूनी खर्च की भरपाई के लिए होगा, जिन्हें हैदराबाद के निजाम के वारिसों को वहन करना पड़ा था, जिसके खर्च की भरपाई के लिए हैदराबाद के निजाम के वारिसों ने अदालत में अर्जी दी थी। अदालत ने फैसला तब लिया जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि वो लंदन हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा, जिसमें हैदराबाद के निजाम के उत्तराधिकारियों को 3,50,00,000 पाउंड के फंड का मालिकाना हक दिया गया था। लंदन हाईकोर्ट के जज मार्क स्मिथ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को यह धन मुख्य रूप से निजाम के वारिसों मुकर्रम जाह, उनके छोटे भाई मुफक्कम जाह, भारत सरकार और नेटवेस्ट बैंक को देना होगा। असल ये मामला तब का है जब देश का विभाजन हो रहा था और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश पाकिस्तान बना। इस दौरान हैदराबाद के सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने लंदन स्थित नेटवेस्ट बैंक में 1,07,940 पाउंड यानी करीब 8,87,00,000 रुपए जमा कराए थे। ये रकम अब बढ़कर करीब 3,08,40,00,000 हो गई है। इस रकम पर पाकिस्तान ने भी अपना हक जमाया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भारत की बड़ी जीत और पाकिस्तान की करारी हार हुई है। लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश ने अक्टूबर में फैसला सुनाते हुए कहा था कि हैदराबाद के सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान इस रकम के वास्तविक मालिक थे और उनके बाद इस रकम पर भारत और उनके वंशज दावेदार हैं। भारत तक आपको लंदन हाईकोर्ट के फैसले की वो कॉपी भी दिखाएगा जिसमें साफ लिखा है कि पाकिस्तान इस फंड पर अपना अधिकार साबित करने में विफल रहा है। अब पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे भरेगा ये हर्जाना, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद पैसे की भरपाई उसकी मजबूरी है, पर जो देश खुद आपातकाल लोन के भरोसे चल रहा है वो कैसे ये हर्जाना भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।